कसरावद नगर परिषद चुनाव में पार्षद पदों के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया का आखिरी दिन था जो 3 बजे तक समाप्त हो गया। कसरावद नगर परिषद में कुल 15 वार्ड है जिसमें कांग्रेस पार्षद के आवेदनों की कुल संख्या 55 हो गई है। बीजेपी पार्षदों के आवेदनों की कुल संख्या 52 रही। निर्दलीय और आजाद समाज पार्टी के आवेदनों की कुल संख्या 18 रही है जिसमें महिला पार्षद उम्मीदवारों की कुल संख्या 86, पुरुष उम्मीदवारों के आवेदनों की संख्या 39, पार्षदों के आवेदनों की बढ़ोतरी हुई है। नगर परिषद में चुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया 3 बजे समाप्त हो गई। कसरावद से अखिल खान की रिपोर्ट। निकाय चुनाव को लेकर आज नामांकन का आखिरी दिन था। सर, अभी तक कितने नामांकन किस किस पार्टी से आए हैं, जरा विस्तार से बताएं। जैसा कि आपको पता है कि आज 18 जून को नगर परिषद कसरावद के जो निकाय चुनाव होने हैं उसमें से आज आखिरी दिन था, जिसमें से आज निर्धारित समय 3 बजे तक की स्थिति में पूरे जो विगत तारीख से जब से नामांकन आरंभ हुआ है तब से कुल 125 आवेदन पार्षद पद के प्रत्याशियों के प्राप्त हुए हैं। कुल नगर परिषद में 15 वार्ड हैं जिनके लिए 125 आवेदन प्राप्त हुए हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, 125 में से 86 जो आवेदन हैं वो महिलाओं प्रत्याशियों के हैं, जो 39 आवेदन हैं वो पुरुष प्रत्याशियों के हैं। इसी प्रकार पार्टी वाइज अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो जो 52 आवेदन हैं वो भारतीय जनता पार्टी से आए हैं जिनके प्रत्याशियों ने भरा, 55 आवेदन हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से हैं, और निर्दलीय और आज़ाद समाज पार्टी काशीराम, इनको मिला करके 18 आवेदन हैं। इस प्रकार पूरे नामांकन प्रक्रिया के दौरान 125 आवेदन नगर परिषद कसरावद निकाय चुनाव के लिए प्राप्त हुए। इसमें कोई निरस्त भी हुए क्या सर? अभी नहीं, अभी निरस्त और या ना निरस्त की प्रक्रिया जो है उसके लिए समीक्षा दिनांक सोमवार जो कि 20 तारीख जून को रखी गई है, उस दिन 10:30 बजे से समीक्षा आरंभ होगी। तब सभी फॉर्म को विस्तृत रूप से चेक किया जाएगा। यदि उनमें से कोई ऐसी जानकारी है, कोई ऐसे आवश्यक दस्तावेज है जिनसे डिस्क्वालिफिकेशन यानी निर्हरता उत्पन्न होती है तो उसके जाँच के पश्चात ऐसे फॉर्म रिजेक्ट किए जाएंगे। इसके बाद 22 तारीख तक को नाम निर्देशन पत्र वापस लेने की एक तारीख है 3 बजे तक। जो अभ्यर्थी अभी फॉर्म दे गए हैं परंतु किसी कारण से बाद में अगर समझते हैं कि वो अपना नामांकन वापस लेना चाहते हैं तो 22 तारीख तक 3 बजे तक फॉर्म वापस ले सकते हैं। मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि 22 तारीख तक 3 बजे जो भी अभ्यर्थी फॉर्म लेकर फॉर्म जमा किए हैं और वो चुनाव के लिए लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है तो वो अपना बैंक खाते की जानकारी भी 22 तारीख को 3 बजे तक अवश्य दे दें। जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक आरक्षित सीट से लड़ रहे हैं और जाति प्रमाण पत्र नहीं दिया है वो समीक्षा दिनांक 20 तारीख तक जाति प्रमाण पत्र 11 बजे की स्थिति में अवश्य रूप से दे जाए। सर, चुनाव जिस दिन से चिन्ह मिलेगा उस दिन से बैंक खाते का चेक किया जाएगा कि पहले से ही होगा जब फॉर्म गया? जब से अभ्यर्थिता फाइनल हो जाएगी नाम वापसी के दिनांक से तब से लेकर मतदान खत्म होने से 48 घंटे पूर्व तक की स्थिति में जो चुनाव प्रचार का समय रहेगा उसमें जो व्यय की जो सीमा तय की गई है नगर परिषद के लिए 75,000 रुपये, उस राशि के व्यय की जो है वो हमारी टीम द्वारा नजर रखी जाएगी जिसका बाद में सभी अभ्यर्थियों के जांच भी करी जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।